व्यूअर्स, इस वक्त हम शमसुल मुल्क साहब के साथ मौजूद हैं जो आज के इस इवेंट के चीफ गेस्ट थे, और बड़े खूबसूरत तरीके से इन्होंने सारे मामलात को एक्सप्लेन किया है और बहुत सारे लोगों तक बहुत सारी जो उनकी कन्फ्यूजन थी वो ख़त्म की हैं। हम इनसे जानते हैं कि ये वाटर रिसोर्सेज के ऊपर जो मामलात हैं, शमसुल मुल्क साहब ये बताइए कि जो वाटर रिसोर्सेज के मामलात हैं और ये सारा मामला जो कि आप लोग बहुत अरसे से रेज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें कुछ बेहतर डेवलपमेंट्स होने के चांसेस हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से? मेरे ख्याल में हैं, क्योंकि अब तो प्राइम मिनिस्टर साहब जो है उसने पहले से अनाउंस किया है कि डैम्स जो हैं ये पाकिस्तान की ज़िंदगी के लिए बड़ी अहम है। चीफ जस्टिस साहब ने बड़ा इसमें हिस्सा लिया है और ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छी। तो ये जो आज की सारी डिस्कशन और डिबेट हुई जिसमें सारे प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस हुए, आपके ख्याल में ये एक पॉजिटिव सिम्टम है कोई भी प्रोजेक्ट बनाने से पहले? बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान के लोग इन इश्यूज़ के ऊपर बात करने लगे हैं और इनके ऊपर वो एक दूसरे के साथ एग्री भी करते हैं, डिसएग्री भी करते हैं, क्योंकि जब तक के कौम इतनी ज़िंदा ना हो कि अपने अपनी ज़िंदगी के मुतालिक अपने कल के मुतालिक वो इन किस्म की बातें कहाँ, वो फिर तो नहीं थे। तो इंशाल्लाह ताला ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छा। और बस आखिर में सिर्फ ये बता दीजिए कि पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियर्स का जो क्याम अमल में आया है, ये आपके ख्याल में एक मुस्बत कदम है? बहुत मुस्बत कदम है और अल्लाह करे कि ये कामयाब से हर दिन और हर साल को ये पहले से कामयाब हो। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।